राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को दिए जाने वाले आरक्षण को 32% से 20% किए जाने से नाराज छत्तीसगढ़ प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने पत्रकार वार्ता लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, साथ ही आगामी चुनाव में इसका असर दिखने की बातें कही। छत्तीसगढ़ प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने मंगलवार को दुर्ग भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता लेकर राज्य सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले 32% आरक्षण को घटाकर 20% तक कर दिया गया है और साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों से छल और षड्यंत्र पूर्वक याचिका दायर करवा केपी खांडे को कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया। साथ ही आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्च न्यायालय जानबूझकर सही ढंग से पैरवी नहीं कराए जाने के कारण नुकसान हुआ। साथ ही कहा कि आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। आगे उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो आगामी चुनाव में इसका हिसाब लिया जाएगा। वहीं इसी कड़ी में बुधवार को दुर्ग के पटेल चौक पर अपना विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम करने की बातें कही। छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है और उसके अनुपात में डॉक्टर रमन सिंह ने जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण दिया गया नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए और बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं में प्रवेश के लिए, शिक्षा के लिए दिया गया। ये सर्कुलर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5/7/2005 को जारी किया गया था। उसी बीच हमारे आदिवासी संगठन आंदोलन किए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने लोक सेवा आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग 2011 अधिनियम लागू किया और आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति को 12% और ओबीसी को 14% दिया गया। इस प्रकार 58% हो गया।